क्या बुद्धिजीवी हैं, श्रमजीवी हैं, चंदाजीवी हैं, क्रोनीजीवी हैं, प्रचारजीवी हैं या फिर आंदोलनजीवी हैं? जी, आंदोलनजीवी। इस हफ्ते का वो सबसे लोकप्रिय या अलोकप्रिय शब्द है जिसने सड़क और संसद से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आज हम बात करेंगे उस शब्द की जो किसी के सीने पर जहर बुझे तीर की तरह लगा तो किसी ने उसे ब्रिलियंट वर्ड ऑफ द ईयर करार दे दिया और वो शब्द है आंदोलनजीवी। 8 फरवरी को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन के से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढवा बता देते हैं, देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे इसके लिए हम सबको। और ये उनकी ताकत है, उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। प्रधानमंत्री उस वक्त 80 दिन से चल रहे किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, आखिरी वाक्य में तो उन्होंने आंदोलनजीवियों को परजीवी भी कह दिया। परजीवी यानी दूसरे जीवों को आहार बनाकर जिंदा रहने वाला। पॉलिटिक्स में बयानों को फेस वैल्यू पर नहीं लिया जाता, खास तौर पर जब वो बयान नरेंद्र मोदी सरीखे नेता ने दिए हों। संसद के उच्च सदन में दिए गए पीएम के इस बयान ने दो बातें साफ कर दी। पहली ये कि किसान भले ही आंदोलन को और लंबा चलाने की बात कह रहे हों लेकिन सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के बारे में सोच भी नहीं रही। और दूसरी ये कि पीएम मोदी ने जोर देकर ये कहा कि सरकार किसानों से बात करने और कानूनों में सुधार के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्रियों के बाद प्रधानमंत्री के लेवल पर दिए गए इस बयान से ये पब्लिक ओपिनियन बनेगा कि सरकार तो सॉल्यूशन के लिए कदम आगे बढ़ा रही है लेकिन किसान अड़ियल रवैया दिखा रहे हैं। ये दोनों बातें किसानों के लिए चिंता की हैं। लेकिन हेडलाइन तो आंदोलनजीवी शब्द ने लूट ली। किसान संगठनों से लेकर विपक्षी पार्टियों ने तुरंत इसके खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। ट्विटर पर आंदोलनजीवी शब्द ट्रेंड करने लगा। मैं भी चौकीदार और मैं भी बेरोजगार की तर्ज पर लोगों ने अपने हैंडल्स के साथ आंदोलनजीवी लिखना शुरू कर दिया। सियासी पार्टियों के बयान अपनी अपनी सियासत के हिसाब से थे। मसलन, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने ट्विटर बम फेंका, क्रोनीजीवी है जो देश बेच रहा है वो। क्रोनी जीवी का मतलब हुआ वो जो अपने घनिष्ठ मित्रों के दम पर जी रहा है, यानी अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने का जो आरोप वो हमेशा एनडीए सरकार पर लगाते रहे हैं, राहुल गांधी ने एक बार फिर थोड़ा इनडायरेक्टली वही आरोप लगा दिया। अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं और राम मंदिर सुर्खियों में रहने वाला है। सो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर यह कहकर हमला बोला कि राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहे हैं जो लोग, वो चंदाजीवी संगठन के लोग हैं। 40 किसान संगठनों वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने हुंकार भरी। हम पीएम को याद दिलाना चाहते हैं कि वो आंदोलनजीवी ही थे जिन्होंने भारत को औपनिवेशिक शासकों यानी अंग्रेजों से मुक्त करवाया था और इसीलिए हमें आंदोलनजीवी होने पर गर्व है। बीजेपी पर हमला करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि ये बीजेपी और उसके पूर्वज ही हैं जिन्होंने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया, वो हमेशा जन आंदोलनों के खिलाफ थे इसलिए वो अब भी जन आंदोलनों से डरते हैं। राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव सरीखे आंदोलन से जुड़े लोगों ने कहा, जिन्होंने देश को आजाद करवाया वो सभी आंदोलनजीवी थे, हमें गर्व है कि हम भी आंदोलनजीवी हैं।
सोशल मीडिया के इस फास्ट फूड जमाने में किसी भी बात पर तुरंत नैरेटिव सेट हो जाता है, तो पीएम मोदी के बयान पर भी होने लगा। वो ये कि प्रधानमंत्री 80 दिन से दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे तमाम किसानों को आंदोलनजीवी कह रहे हैं और आंदोलन को एक टाइम पास कार्यवाही बता रहे हैं। यहां से माहौल बनने लगा कि किसानों को खालिस्तानी, आतंकी या राष्ट्र विरोधी कहकर भी बदनाम नहीं कर पाए तो अब आंदोलनजीवी बता रहे हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन तो हमारे लोकतंत्र का हिस्सा रहा है, आजादी की लड़ाई की बुनियाद रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हथियार रहा है, तो भला प्रधानमंत्री इसका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं। लेकिन ये नैरेटिव जड़ें पकड़ता उससे पहले ही पीएम मोदी ने डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज कर डाली। दो दिन बाद यानी 10 फरवरी को लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने साफ किया कि वो किसान आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी नहीं कह रहे। किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं आंदोलनजीवियों ने किया हुआ है और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलनजीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलनजीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगावाद लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं। पीएम मोदी ने अपनी तरफ से स्थिति साफ भले ही कर दी हो लेकिन आंदोलनजीवी शब्द की शक्ल में उन्होंने बहस मुहावसों के तालाब में जो पत्थर गिराया है वो काफी भारी है, वो लहरें पैदा करता रहेगा। यानी अब जो भी विरोध की आवाज बुलंद करेगा उसे ये सवाल तो जरूर झेलना पड़ेगा कि भाई तुम आंदोलनकारी हो या आंदोलनजीवी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें, न्यूज तक का Facebook पेज लाइक करें और तक ऐप को अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करना ना भूलें।